नमस्कार सर। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग मौजूद है गोसाईगंज में और अंबेडकर नगर लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं। आज यहां इनकी जनसभा है, आप ये भीड़ देख सकते हैं, आपको ये हुजूम जो दिखाई दे रहा है पैदल आ रहे हैं और इसके पीछे ही शिवपाल यादव की रैली आ रही है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये जन सैलाब उमड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ में, आपको ये भीड़ दिखाई दे रही है, बहुत ही जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। और ये देखेंगे, ये पता लग रहा है समाजवादियों का काफिला है, बहुत ही जबरदस्त। अम्बेडकर नगर में बताया जा रहा है कि अम्बेडकर नगर जो सीट है काफी ज्यादा मजबूत है लालजी वर्मा की। आप देखेंगे काफिला काफी बड़ा है, ये लश्कर काफी बड़ा है और ये हुजूम काफी बड़ा है। और अम्बेडकर नगर पर अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें बताया जा रहा है सपा यहाँ पर कुछ मजबूत जरूर नजर आ रही है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकेंगे कि कौन जीत रहा है अम्बेडकर नगर सीट। और मैं आपको ये पूरा काफिला दिखाने वाला हूँ, आप देखेंगे ये काफिला लगातार ये काफिला जा रहा है और बहुत ही पीछे तक आप देखेंगे नजर डालेंगे तो वहां आपको नजर आ रहा है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार यहाँ दिखाएंगे शिवपाल यादव जी है और आप देखेंगे पूरा ये काफिला काफी बड़ा लश्कर है, काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये जो गाड़ी है ये शिवपाल यादव की रेंज रोवर आपको दिखाई दे रही होगी। बहुत ही ज्यादा भीड़ आप कह सकते हैं अम्बेडकर नगर सीट पर है और ये यूपी 75X 007 इसमें शिवपाल यादव जी हैं, आप हमारे सामने देख रहे होंगे। और शिवपाल यादव का ये काफिला धीरे धीरे एंट्री यहाँ से करने वाला है और सब पूरा जनसैलाब आप देख रहे होंगे और जनसैलाब इनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़ा है। और अम्बेडकर नगर सीट काफी मजबूत बताई जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे की तरफ अगर एक बार दिखाया जाए तो काफी बड़ा काफिला ये है, बहुत ही भारी भीड़ दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी की इस रैली में। ये रैली कहीं ना कहीं ये बता रही है कि अम्बेडकर नगर सीट भी काफी ज्यादा मजबूत है। और आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे जहां पर ये गाड़ियां जा रही है, यहां से आप दिखाएंगे तो यहां से आपको नजर आ रहा है और काफी भीड़ है और पूरा एकदम खचाखच मैदान भरा हुआ है। और शिवपाल यादव को देखने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जैन सैलाब इनके पीछे जा रहा है, गाड़ियां जो है वो आगे निकलती चली जाएंगी आप यहाँ से देखेंगे। और लगातार ये पीछे जो भीड़ है ये गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा, काफी बड़ा लश्कर है, काफी बड़ा ये काफिला है। मैं आज की इस वीडियो में आपको पूरा काफिला मैं दिखाने वाला हूँ, आप देखेंगे लगातार यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ती चली जा रही है और काफी बड़ा ये काफिला है। आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियां जो है निकलती जा रही है और लालजी वर्मा काफी ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है इस सीट पे। दोस्तों दो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहिएगा कि कौन मजबूत है अम्बेडकर नगर सीट पर और इस रैली को देखकर आप क्या सोच रहे हैं। ये शिवपाल चाचा जी की रैली है, अखिलेश यादव के चाचा जी की रैली है, तो आप देखेंगे ये भीड़ जो है लगातार वो भीड़ है अम्बेडकर नगर से चल के आई है और मया बाजार में हम लोग मौजूद है। आप यहाँ सामने देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होने की वजह से व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। आप ये देखेंगे लगातार जो है कार्यकर्ताओं के जो गाड़ियां है वो लगातार पहुंच रही हैं और जगह कम होने की वजह से सभी गाड़ियों को आगे लेकर जाया जा रहा है। आप ये देखेंगे पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है और मंच पे यहाँ भी आप देखेंगे तो मंच पे बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही होगी आपको, इस मंच पे काफी ज्यादा भीड़ है और आपने कई सारे ऐसे मंच भी देखे होंगे जहाँ पर मंच टूट गया है। यही कारण है जब इस तरह की भीड़ रहती है तो कहीं ना कहीं ये सारे छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। यहाँ दिखाएंगे पूरी बाजार एक तरीके से ब्लॉक हो गई है, पूरी बाजार पे जाम एक तरीके से लग गया है और हम लोग आपको लेकर चलेंगे अंदर, अंदर से आपको दिखाएंगे पूरा माहौल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो माहौल है अम्बेडकर नगर का आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी और यहाँ मैं दिखाऊंगा किस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये जो आप देखेंगे मंच पे अभी सभी लोग मौजूद हैं, शिवपाल यादव मंच पे मौजूद है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी काफी मजबूती से लड़ रही है उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव। आप लोगों को क्या लग रहा है आप लोग बताते रहिएगा और हम आपको ले चले मंच की तरफ। और ये जो जोश देखने को मिल रहा है, जो माहौल देखने को मिल रहा है, ये बता रहा है कहीं ना कहीं जन सैलाब जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ भी है और काफी मजबूती से अम्बेडकर नगर सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है।
और यहाँ देखेंगे गाड़ियां आगे लग चुकी है, और यहाँ पर आप देखेंगे मंच पर लोग, मंच पे आप देखेंगे तो सब मंच पे जाने के लिए लोग परेशान है, युवा परेशान है। और आप देखेंगे जो मुद्दा है बेरोजगारी भत्ता 8,500 वाला, ये लगातार लोग दिखा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है इस समय भाजपा सरकार में, और उसी युवाओं के लिए यहाँ पर चुनाव 25 तारीख को चुनाव है यहाँ पे, उसी के लिए हमारे चाचा सुपाल जी आए हैं सभी से विमन निवेदन करने के लिए कि यहाँ पर साइकिल का वोट करें, यही मुद्दे है हमारे। अंबेडकर नगर सीट जो बताई जा रही थी कांटे की टक्कर है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे अंबेडकर नगर सीट में कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा यहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है, युवाओं को 10 साल 2 लाख वोट से समाजवादी पार्टी। अखिलेश भैया जिंदाबाद। साथ निषाद पार्टी कह रही थी कि हम लोग 400+ आने वाले हैं, 400 हार। संजय निषाद जी का स्टेटमेंट आता है कि 400 पार बीजेपी कर रही है, 400 हार में आप 200 घटा दीजिए, अब आप जान लीजिए इतना मिलेगा, 400 में चार बीजेपी को आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को तय करने वाला है, अगले विधानसभा चुनाव को भी कहीं ना कहीं तय करने वाला है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कौन आगे चला, कौन जीतने वाला है। और ये देखेंगे लगातार जो भीड़ है मंच पर भी बढ़ती जा रही है, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार कैमरा को मंच की तरफ करेंगे, आप देखेंगे लगातार जो भीड़ है वो मंच की तरफ भी बढ़ रही है, कई बार मंच टूट टूट के है समाजवादी की रैलियों में, तो ये जो भीड़ है इस वजह से मंच टूटते रहे। आप देख रहे हैं आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी।